और बड़े बहादुर आदमी है, बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, मऊ के रहने वाले हैं और आज हमारी पार्टी की सदस्यता ले रहे पर्ची पड़वाएंगे। मनोहर भाई आज हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह पार्टी में आगे ले जाएंगे। पीस पार्टी के बहुत मजबूत पिलर थे, इन्होंने पीस पार्टी को छोड़ दिया भैया। आप मेहमान हैं और दोनों हमारी आंखें हैं। आप में आए हो एमआईएम में आए? नहीं नहीं, आप एमआईएम में आए। अरे आप तो जो झाड़ू वाला आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप मऊ से आए हुए हैं यहाँ पर और इसमें आज आपने आमीम पार्टी को फिर से ज्वाइन किया है, क्या है ये मैटर आपका? ये मैं मुनव्वर अली मतपुर प्रत्याशी 356,000 लड़ चुका हूँ। मऊ की एमआईएम टीम जो आई थी और हमारे भी लोग आए थे, आज हमने एमआईएम का जो है दामन थमा है। हम लोग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, अगर कोई लड़ने वाला लड़ाई है वैसी साहब सदन में लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आज फैसला लेके जो है एमआईएम में हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है ताकि लोगों को जो है इंसाफ दिलाया जा सके और इंसाफ खुद मिल सके। हम लोगों को खुद इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है 18-19 मुकदमे हमारे ऊपर प्रशासन के लोग कर दे रहे हैं और आज जो है इंसाफ के लिए और इंसाफ पाने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए आज हमने ऑल इंडिया इत्यादि मजलिसे इत्यादि मुस्लिमीन को हमने ज्वाइन किया है ताकि आगे चल के कामयाबी मिले। एमआईएम में आने का मकसद क्या है? लोगों को इंसाफ दिलाया जा सके और जो गरीब हैं, जो बस से बदतर होते चले जा रहे हैं, आज जो है इस सरकार में जो है प्रशासन और शासन के लोग जो है ठेला वाले को और जो अपना रोजगार कमा खा रहा है उसको जो है प्रशासन के लोग जो है इधर उधर जो है कर दे रहे हैं, भगा रहे हैं। रोजी रोटी जो है बेरोजगार होते लोग चले जा रहे हैं, आज आत्महत्या लोग करने पर मजबूर हो गए हैं। तो बस इसीलिए जो है ये पार्टी में जो है हमने सदस्यता लिया। आप तो इससे पहले भी इस पार्टी में थे एक बार? जी एमआईएम में मैं 15 या 16 में था, उस समय जो है चुनाव हमको लड़ना था नगर पालिका अध्यक्ष वाला, फिर जो है उसमें कुछ कमियाँ आई, पीस पार्टी तक मिलने के चुनाव लड़ा। तो राजनीति उलट पुलट होता रहता है, लेकिन क्योंकि असल जो गरीबों को आपको लगा कि आप जहाँ से छोड़ कर गए वही सही है, आपको लगा कि आप जहाँ से छोड़ कर गए थे वही सही है? हाँ, जुल्म जो है, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, एमआईएम लड़ रही है और सदन में भी लड़ रही है, इंशाल्लाह आगे फिर कामयाबी होगी। इस बार क्या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए अगर सदर साहब चुनाव लड़ाना चाहे तो लड़ेंगे, हम लोग तो राजनीतिक आदमी हैं और बिल्कुल लड़ा जाएगा। आप क्या? हमारी इच्छा क्या, लड़ा जाएगा तभी जीत के आगे जो है समाज का सेवा किया जाएगा, समाज की लड़ाई लड़ा जाएगा, दिया जाएगा, लड़ेंगे जीतेंगे। हमारी बात सुनिए सर, पहले जब हम चुनाव लड़ेंगे सदन में पहुँचेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जाएंगे या वार्ड सभासद बनेंगे, कुछ बनेंगे, तभी तो समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, समाज की जो है समस्या उठा सकते हैं। सिर्फ हम लोग हल्ला कर रहे हैं और बीजेपी पसमानदा सम्मेलन की जो बात कर रही है, सबसे पहले तो 341 पे लगी रोक को हटा ले जी, बीजेपी हटाएगी। क्या मोदी जी इस पर बात करेंगे? क्या योगी जी इस पर अपना बयान देंगे? क्या दानिश अंसारी इस पर अपना बयान देंगे? भाई अगर मुसलमान धोबी है तो वो SC में नहीं आएगा, उसको रिजर्वेशन नहीं। हिंदू धोबी है तो SC में आएगा, उसको रिजर्वेशन है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है तो क्या है, आप बताइए मुझे। सबसे पहले तो इनको, दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी सबसे बड़ा तबका अंसारियों का है बैकवर्ड में, तो ये क्या पावर लूम की जो बिजली की बिल है उसको माफ़ कर देंगे क्या, जिस तरीके से किसानों की माफ़ की जाती है, माफ़ करेंगे क्या? देखिए ये इनकी सिर्फ बातें हैं, वोट लेने के लिए ये गुमराह कर रहे हैं। और कोई भी मुसलमान BJP के साथ नहीं जाएगा, वही जाएगा जो इब्नुल वक्त हैं, जो दानिश आज़ाद अंसारी जैसे लोग हैं जिनको मिनिस्टर बनना है,
निकाय चुनाव को लेकर को एक स्टोरी से दो स्टोरी बनानी है। निकाय चुनाव को लेकर के आज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ जौनपुर में हो रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था ये जी, ये 11 जिले के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक थी। उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर रहे थे, क्योंकि हमारे जोनल प्रेसिडेंट जो थे वो चले गए पार्टी छोड़ करके, तो इसलिए 11 जिले। अब 20 तारीख को 13 जिलों की बुलाई गई है मीटिंग संत कबीर नगर में। निकाय चुनाव में आप अपने आप को कितना मजबूत पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे। इस तरीके की कितनी मीटिंग अभी और ऑर्गेनाइज होगी पूरे यूपी में? देखिए मीटिंग तो मैं लगातार कर रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, और करते रहेंगे। हम लोगों का इलेक्शन आता जाता रहता, हम लोग की मीटिंगें हमेशा चलते रहती है, ऑर्गेनाइजेशन पे काम चलते रहते। मऊ में आप कह रहे हैं कि हम जो है मुख्तार अंसारी या अंसारी बंधुओं के खिलाफ लड़ेंगे, या उसमें तालियां भी बज रही हैं, और यहाँ पे भी आपने अभी जैसे आपने यहाँ पे तालियां बजवाई कि खेतासराय में कोई मुस्लिम है अगर तो हम उसके खिलाफ, क्या आप मुसलमान की कयादत अगर कर रहे हैं तो मुसलमान के खिलाफ क्यों? बात सुनिए आप जी, हमारा झगड़ा किसी अंसारी बंधु से थोड़ी है, हमारा झगड़ा तो उन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों से है जिन पार्टियों ने मुसलमानों को पसमानदा किया है, जिन पार्टियों ने मुसलमानों को दलित से बदतर बनाया है, जिनके दौरे इख्तदार में हुए हम। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। अगर किसी भी पार्टी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट कहीं मजबूत है, कहीं पर भी मजबूत है अगर मुस्लिम कैंडिडेट किसी भी पार्टी का, तो क्या आप वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा